मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि मेरठ हमारे विकास के एजेंडे पर है, मेरठ के विकास योजनाओं पर हमारी नजर रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक महीने में दूसरी बार मैं मेरठ आया हूं, मेरठ शहर को आधुनिक सुविधाएं मिले इसके लिए अनवरत सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने 517 करोड़ रुपए की 376 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। माँ गंगा और माँ यमुना का आशीर्वाद इस पावन धारा पर सदैव बरसती है और बाबा ओगड़नाथ की कृपा के साथ ही मेरठ जनपद ने एक नई पहचान बनाई है। इसकी अपनी एक पौराणिक पहचान थी। आज से 5000 वर्ष पहले मेरठ के हस्तिनापुर में ही भारत का इतिहास रचा गया था। ये ऐतिहासिक भूमि है, पौराणिक भूमि है। भारत की के इतिहास को लिखने वाली भूमि है और आजादी की लड़ाई के दौरान भारत के इतिहास को बनाने वाली भूमि है। स्वतंत्र भारत में अपने स्किल के माध्यम से एक नई पहचान दिलाने वाली धरती भी है। कौन नहीं जानता है कि यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने स्पोर्ट्स सिटी के रूप में मेरठ को विकसित कर दिया और दुनिया के अंदर कोई भी खेल हो उसकी सामग्री अगर कहीं मिलती है और उसका कहीं निर्माण होता है तो वह मेरठ में होता है। मेरठ उसका एक हब बन चुका है और मेरठ की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रख करके डबल इंजन की सरकार लगातार मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।